हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चलिए। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं सिने फिल्म्स भोजपुरी चैनल से। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। ये करिश्मा कक्कर का सॉन्ग है, ये पियावा दुलारे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। एंड टिपिकल, मैं ये कह सकती हूँ टिपिकल देसी सॉन्ग, ठीक है? लाइक इस टाइप का म्यूज़िक आपने ज़्यादातर फंक्शंस वगैरह में सुना होगा, ठीक है? फंक्शंस कैसा, स्टेज फंक्शन जो होते हैं, ठीक है? स्टेज फंक्शन, रागिनी या फिर आला या उस इस टाइप के फंक्शंस जो होते हैं उनमें इस ये म्यूज़िक सुनने को मिलता है। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटल है ना, जो विदाउट एनी ऑटो ट्यून, ठीक है? नहीं, सिंगिंग में ऑटो ट्यून है, बट यहाँ पे म्यूजिक में कोई ऑटो ट्यून यूज नहीं किया गया है, ठीक है? वो प्योरली इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है, ठीक? तो उस कैटेगरी से मैं देखूँ, अगर टिपिकल भोजपुरी देसी सॉन्ग जो कह सकती हूँ मैं इसे, ठीक है? काफ़ी अच्छा, जो मतलब गर्ल्स के जो एक्सप्रेशन निकल रहे हैं वो क्यूट से हैं, ठीक है? काफ़ी क्यूट से एक्सप्रेशन है। डांस भी वही टिपिकल देसी फंक्शन वाला है, ठीक? डांस भी हम उसी कैटेगरी में रख सकते हैं। लाइक एक प्रॉपर देसी सॉन्ग जिसे बोलते हैं ना, वो है ये, ठीक? और प्योर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सॉन्ग जिसमें ढोल, मंजीरा, ताशा इन सब का यूज़ होता है, ठीक है? तो ऐसे म्यूजिक के साथ
जो पब्लिक होती है, देसी पब्लिक होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है, ठीक है। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉन्ग है ये। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।